बहुत एक्साइटेड है हम हमारा मिडडे के साथ एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है और मिडडे के सारे अवार्ड्स में हमारी एजेंसी पब्लिक रिलेशंस में होती है, इवेंट मैनेजमेंट में होती है और साथ ही साथ अवार्ड क्यूरेशन में भी होती है। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ मिडडे करते आए हुए हैं और अगर ये तीसरा साल है इसका मतलब है कि इसके पिछले दोनों साल बहुत सक्सेसफुल थे। ये साल भी मुझे आशा है कि बहुत सक्सेसफुल होगा। जिस तरीके से मैं सारी अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा और भव्य होगा ये। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या लगता है ये अवार्ड कितने मायने रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? ये अवार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र गौरव जब हम कहते हैं तो ये स्पेसिफिक इस राज्य के जितने भी अचीवर्स हैं उनके लिए ये अवार्ड है और इस तरीके का आयोजन आज जब ताज जैसे एक बड़े होटल में होता है और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ और इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा पॉलिटिशियंस, उसके अलावा स्पोर्ट्स से अलग अलग क्षेत्रों से जब लोग यहाँ आते हैं और उनमें से कई जो बड़े अचीवर्स हैं उनको जब फेलिसिटेट किया जाता है तो ऑब्वियसली ये उनके लिए भी फख्र की बात है, मिडडे के लिए भी और हमारी एजेंसी के लिए भी, क्योंकि हम इस तरीके के मोटिवेशनल इवेंट्स के साथ साथ और साथ ही साथ इस तरीके के अवार्ड्स के साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं। लेडीज फर्स्ट। आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मिडडे ने महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मेरे हस्बैंड को दिया, बिकॉज माय हस्बैंड ने बहुत सालों से मेहनत करी है रेसलिंग में एंड एज अ रेसलर ही हैज़ मेड इंडिया प्राउड इन अ रिसेंटली कंक्लूडेड मैच इन दुबई बाय बीटिंग अ रेसलर फ्रॉम पाकिस्तान। एंड मैंने वो मैच खुद अपने आँखों से देखा। इट वॉज़ वेरी वेरी टफ। आई वॉज जस्ट वरिड कि संग्राम जी को लगे नहीं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज़ बीइंग फेलिसिटेटेड एंड ही इज़ बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर हिज हार्ड वर्क। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस अवार्ड के बारे में बताइए और फिर हमने जो चैंपियनशिप आपने जीती है हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। देखिए, जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार है, हर एक सम्मान मिलना बड़े कोई भी अवार्ड मिलना बड़े सम्मान की बात होती है और ख़ासकर जब महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिलना तो बहुत बड़ी बात है और ये इनिशिएटिव मिडडे ने लिया है तो मतलब ये वन ऑफ द सोनिक शो आ गया। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मुंबई आया था, मैंने पहले ही बोला था कि पहला मेरा इंटरव्यू मिडडे ने किया था और मैंने एक बात बोली है कि आपकी जन्मभूमि एक होती है, आपकी कर्मभूमि दूसरी होती है। जो कर्मभूमि होती है वो आपके लिए ज़्यादा महत्व रखती है, तो ये महाराष्ट्र कर्मभूमि है। यहाँ पे हैं, दो रोजी रोटी मिल रही है और मैं एक छोटा सा रेसलर भी हूँ, तो रेसलिंग की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। हमने देश का पहला मेडल, व्यक्तिगत मेडल, इंडिविजुअल मेडल केडी जाधव साहब ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था कुश्ती में, रेसलिंग में। और इनफैक्ट मैं उनके ऊपर फिल्म करने वाला था, जाधव साहब के ऊपर, श्याम बेनेगल साहब के साथ में। हमने बहुत मेहनत की मगर किसी कारण से वो टर्न अराउंड नहीं हुआ। तो अभी नागराज जी उस पर फिल्म बना रहे हैं, मराठी फिल्म जाधव साहब पर। और जो पूरा देश आज बचा हुआ है तो महाराष्ट्र का इतिहास है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों या फिर वो बाजीराव जी हों, जो जितने ही हों, तो बहुत एक सम्मान की बात है ये पुरस्कार मिलना। और आई एम फीलिंग वेरी, मतलब मुझे बहुत इसका बहुत एक ऑनर मिल रहा है कि भैया ये सम्मान मुझे मिला, ये दिया गया। बाकी तो क्या है कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में है ना सम्मान, सफलता है सफलता, मैं ये कम देखता हूँ। मैं जो प्रोसेस होता है ना उसका मज़ा लेता हूँ कि ज़िंदगी में आपको हमेशा प्रोसेस का मज़ा लेना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो भैया समझो कि वो सम्मान वो हमें दे ही रहा है। और मैंने वहाँ भी बोला, यहाँ पे बोलता हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता भैया जिसको कोई अवार्ड मिलता है, मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। तो हम सबको चैंपियन बनना चाहिए, करना चाहिए। और सम्मान मिलता है तो एक आपका आत्मविश्वास है, उत्साह है, उबरता है। डेफिनेटली अभी मुझे रिसेंट मौका मिला, मैं 40 साल का हूँ, 23 साल के मैं एक पाकिस्तानी रेसलर से लड़ा उसके साथ में कुश्ती। वो पाकिस्तानी रेसलर जो 23 साल का है, जो अपनी कंट्री को रिसेंटली जो अपने देश के लिए खेल रहा है, वेट भी 8-9 के ही ज़्यादा था। तो एक ये मेरा जो मैच था ना, मैं कोई जीतने हारने के लिए नहीं खेल रहा था, मैं उन सब बच्चों के लिए खेल रहा था जिनकी आंखों में खेल का सपना है कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो भैया ज़िंदगी में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भैया लगे रहो, कोई भी ऐसी मंजिल है नहीं जिस पर नहीं पहुँचा जा सकता।
बस कोशिश करते रहो, लगे रहो। ये रिसेंटली मैच भी उसी का उदाहरण है, आगे भी खेलेंगे। क्योंकि क्या है कि जो तजुर्बा है ना, तजुर्बा वो आपको ढेर सारी अच्छी चीज़ें करने से या गलत चीज़ें करने से रोकता है और अच्छी चीज़ें करवाता है, मगर तजुर्बा तभी आता है जब आप ढेर सारी गलतियाँ करते हो। तो ज़िंदगी में कभी भी मत सोचो परफेक्ट हो, बिग नॉर्मल इज बोरिंग, कुछ ना कुछ सीखते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो सारी चीज़ आपके पास होती रहेंगी। थैंक यू, नमस्ते। आपको महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ रीना महाजन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, मिड डे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड्स, थैंक यू सो मच। बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो ऐसे ही हौसला आप अपना बुलंद रखो, एक ना एक दिन वो आता ही है, सक्सेस मिलती है, बस कोशिश करते रहो। बस थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस यू ऑन द अवार्ड। सो टेल अस अबाउट द मोमेंट यू गॉट द अवार्ड एंड हाउ इज द फीलिंग। सो यू वांट मी टू टॉक? या, यू कैन सी द कैमरा। ओके, या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मिड डे अवार्ड, द मिड डे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड्स, the organizer team for an excellent organizing this event. I'm so grateful and it's an amazing, exciting event for me. Thank you so much for this award, and I'm also grateful for the entire team, you know, especially the jury who are involved in the selection process. So I'm so grateful for them as well, and I'm grateful for my team, especially my leading actors and my director, he's here with us, and my executive producer and my team. I'm also so grateful for them for my coming up film, which is Artist. This is the film which is going to be released next few months. At this point, we are in the process of pre-production process right now. Thanks you once again. Sir, anything you'd like to say about the film and the award you got? First, congratulations to our producer, my producer. My film is Artist. It's going to be summer release. It's Telugu, Hindi and Tamil. Yeah, three languages. It's a unique selling point. It's the movie is, there is no barriers, language barriers. Now it's open for all languages. Right? So it's going to, we are coming in summer. It's anything you'd like to say? Yeah, sure. First of all, thank you so much for having us here. Because ये मैं मुंबई से हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे ये जानने को मिला कि कौन यू नो हमारे मुंबई के महाराष्ट्र के प्रति इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड कंग्रेचुलेशन सर फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। And yes, talking about film, this film called Artist, Telugu film है और हमने बहुत मेहनत से प्यार से फिल्म बनाई है। I hope आप सब लोगों को पसंद आए, और बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में रिलीज़ कर रहे हैं हम, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी, क्योंकि लाइक आई सेड आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मेरे लोग भी इसको देख पाएंगे, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है when we are going to in May. So we are very excited and thank you so much for having us here. We are very very proud today. Girish sir is also here. Sir, क्या कहना चाहेंगे Artist फिल्म के बारे में जो ब्रांड लॉन्च हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर जेम्स, डॉक्टर जेम्स कोमू को बधाई दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक प्रोड्यूसर जो कि US में रहता है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो एक तेलुगु फिल्म बनाते हैं जिसको वो साइमल्टेनियसली हिंदी और तमिल में भी रिलीज करने का प्लान करते हैं। इस वक्त इनका प्लान इसको तेलुगु और हिंदी में रिलीज़ करने का है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस फिल्म के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस फिल्म का डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस मेरी टीम देख रही है। आज खुशी की बात है कि डायरेक्टर यहाँ मौजूद है, मेन लीड एक्ट्रेस यहाँ मौजूद है, और डॉक्टर जेम्स कोमू को एक बड़ा अवार्ड मिला है जिसको महाराष्ट्र गौरव अवार्ड्स कहते हैं, वो भी
हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर उदय सामंत जो कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है उनके हाथों मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस फिल्म का रिलीज डेट अभी तय नहीं हो पा रहा है, इस वक्त हम पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका ट्रेलर है और जिस तरीके से इसका लुक है उसमें मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट बरकरार है। सो वी विल सी दैट अ ग्रेट फिल्म विल अनफोल्ड इन कमिंग डेज। थैंक यू। ओके मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे उस मोमेंट के बारे में अगर शेयर करना चाहेंगे? Thank you so much, first of all, thank you so much for the wishes and thank you all for coming here and listening to me. मैं ये बोलना चाहूँगी कि awards होते हैं वो हमें एक motivate करते हैं कि whatever we are going in the right direction. और मेरा एक ही motive है life में, चाहती हूँ कि कर्म ही मेरी पहचान बने, चेहरे का क्या है वो तो मेरे साथ ही चला जाएगा। तो यही मोटिव के साथ मैं काम करती हूँ जो भी कर रही हूँ, चाहे वो अपने प्रोफेशन को लेके हो चाहे सोसाइटी की तरफ हो, तो हाँ अच्छा लगता है। ऑल्सो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, अभी जो है अनंत अंबानी और बच्चन की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और अगर कुछ शेयर करें आप अपने थॉट्स? पहली बात तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि और ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में वो हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ, उनका प्यार बना रहे, टुगेदरनेस बनी रहे हमेशा के लिए, रिस्पेक्ट बनी रहे एक दूसरे के लिए। और जो जहाँ तक ये ईयर 8 का ईयर है, जो शनि होता है, शनि आपको सोलमेट आपका मिलवाता है, आपका लाइफ पार्टनर देता है, और वो जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो आई होप कि उनका भी ये बॉन्ड स्ट्रांग रहे शनि की, वैसे तो शनि को बहुत हैवी प्लैनेट माना जाता है, बट हाँ जब लाइफ पार्टनर और शादी और सब की बात आती है तो शनि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं चाहूँगी कि उनकी लाइफ में भी बहुत प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू। सर्वप्रथम उपस्थित सभी लोगों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार के लिए चुना गया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री माननीय सावंत सर और शिक्षण मंत्री केसकर सर, उनके हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। दोस्तों, जीवन में कुछ पाने के लक्ष्य रखेंगे तो वो पाना है तो कड़ी मेहनत हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। हम सभी को अपनी ज़िंदगी के प्रति सत्कारात्मक होना सोच रखना चाहिए। ज़िंदगी ने काफ़ी मुश्किलें नाकामी भी चुनौतियों का सामना करने के बाद इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे परिवार और मेरे घरों ने दिखाया, ये सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस सम्मान के लिए मेरे आने वाले कल की जिम्मेदारी और बढ़ गई और दौड़ने के लिए मैं प्रेरित हो गया। पुनः सा मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले आई विल लाइक टू थैंक्स मिडडे फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आइकॉनिक एक्टर, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने मुझे मेरे रोल को सहारा और मैं चाहता हूँ कि आई शुड ब्रिंग मोर एंड मोर गुड मूवी लाइक दिस, जिसकी वजह से हमें ऑस्कर तक जाने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ ऐसी और अच्छी मूवी बने और जिसमें मैं भी उसमें भागीदार हूँ, और इसके सबसे ज़्यादा थैंक यू टू मिथे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। मिड डे के तरफ से ऑर्गेनाइज्ड ये महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिलते ही एक बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना बड़ा अवार्ड मिला है। मेरी ब्रांड सरोम जो फर्निशिंग इंडस्ट्री में है, जिससे आपको हर एक चीज़ आपके घर के लिए, आपका घर का सपना पूरा हो सकता है, एंड उसी के ऊपर आज मिड डे ने ये अवार्ड देके मुझे सम्मानित करके मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ाया है कि ऐसे ही मैं काम करते रहूं और ऐसे ही अवार्ड्स मुझे मिलते रहे। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, एक महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिलके खुद के अंदर एक प्राइड फीलिंग आ रहा है। 30 इयर्स मैंने दिया है और मैं अभी एक नया म्यूज़िकल शो लॉन्च कर रही हूँ चित्रांगदा, जो कभी हिंदी में नहीं हुआ है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट जो आज मैं यहाँ हूँ मिड डे की तरफ से, और आज मुझे ये अवार्ड मिला है। आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी प्राउड। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मैं गोरक्षनाथ गंभीरे अन्ना अमृत फाउंडेशन से हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आज जो मिडडे द्वारा दिया गया जो अवार्ड है बहुत ही अच्छा रहा। आज जो माननीय दीपक केसरकर जी एजुकेशन मिनिस्टर, उदय सावंत जी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य के, इनके हाथे से जो अन्ना अमृत फाउंडेशन को अवार्ड मिला है, ये अवार्ड के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मिडडे का। और इस अवार्ड से हम लोगों को जो इंस्पिरेशन मिला है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुँच सकते हैं। आज हम 12 लाख बच्चों को डेली खाना पहुँचाते हैं और हॉस्पिटल में जितने भी मरीज है उनके पेशेंट के रिलेटिव है उनको फ्री में खाना देते हैं। इस अवार्ड से हमें जो इंस्पिरेशन मिलेगा उसके लिए मिड डे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मिड डे की तरफ से ये अवार्ड हमें मिला, और वो भी एक्चुअली उदय सामंत जी के हाथ से और कार्यकर सर अपने दोनों मिनिस्टरों के हाथ से मिला। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी मिड डे को, वर्धमान ग्रुप को, और जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनको, और जो भी टीम है जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया उसके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मैं नालंदा नृत्यकला महाविद्यालय की प्रिंसिपल हूँ, और मुझे भरतनाट्यम डांस के लिए और एकेडमिक्स इन डांस के लिए ये मिला है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि अपने देश में डांस तो सब करते हैं, मगर डांस में रिसर्च होता है, डांस में पढ़ाई होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसके वजह से ये रिकग्नाइज करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं सबसे। थैंक यू सो मच। मिड डे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड जो आज हमें दिया गया है, हम उसके लिए सबसे पहले मिड डे का शुक्रिया अदा करते हैं। और मुमरा थाने में बसता है जो एक स्लम इलाका है, वहाँ पे आज जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन को लेकर के आज 10 साल के पहले वहाँ की जो सिचुएशन थी, जो पोजीशन थी, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे 35 माले का फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन, ऐसा हाइटेड बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब नहीं बन पा रही थी। लेकिन कुछ दिनों से हम लोगों ने, हमारी खास करके नाइस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, जो एक स्लम इलाके के अंदर एक अच्छा काम किया है, और जो मुमरा का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही कामयाब है। और हम यही कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मुंबई के एतराफ़ में उड़ाला हो गया, गोवंडी हो गया, भिवंडी हो गया, जो भी हलके हैं जहाँ पे स्लम का इलाका है, वो लोगों को हम मुमरा के अंदर ला कर के अच्छा मकान, अच्छा घर उन्हें दे सकें अच्छी कीमत से, इस कोशिश के साथ हम पूरी हमारी कंपनी काम करती है। और इंशाल्लाह ताला आगे के लिए भी हम यही काम करेंगे। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, कि हाइटेड बिल्डिंग बना लेना, अच्छा कंस्ट्रक्शन करना, तो बहुत सारे लोगों की कला हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, लेकिन इस पैसे को, जो पैसे हम वहाँ से कमाते हैं, वो गरीब के अंदर, मुस्तहिक के अंदर, मिस्कीन के अंदर, ज़रूरतमंद के अंदर उस पैसे को खर्च किया जाए, तो इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। आज से 6 साल पहले हमने GST सेंटर्स का अलॉटमेंट करना शुरू किया था। पूरे महाराष्ट्र में 7,500 से ज़्यादा GST सेंटर्स हैं हमारे, जो स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस ओनर्स को कंप्लायंस से रिलेटेड हर वर्टिकल में हेल्प करते हैं। आपको GST से रिलेटेड कोई काम हो, ट्रेडमार्क से रिलेटेड काम हो, तो हमारे GST सेंटर्स मिलकर स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस ओनर को ऑलरेडी ये काम करवा रहे हैं। मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारे GST सेंटर्स अपने आसपास के बिजनेस ओनर्स को ONDC जैसे प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वी हैव बीन अलॉटेड एज अ ONDC पार्टनर ऑल्सो, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम महाराष्ट्र के स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस ओनर की किस तरह से और हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। थैंक यू सो मच मिड डे फॉर द अवार्ड। थैंक यू।